फाइनली गाइस रियलमी यूआई 3.0 की तरफ से यहाँ पे ऑफिशियली दो नए फीचर्स अनाउंस कर दिए गए हैं। यहाँ पे गाइस कौन से फीचर्स हैं और क्या कुछ आपको खास यहाँ पे देखने को मिलता है, कौन कौन सी डिवाइसेस के अंदर वर्क करने वाले हैं ये वाले फीचर्स और कब तक आपके डिवाइस के अंदर जो अवेलेबल हो जाएंगे, यहाँ पे आई किस वीडियो के अंदर कन्फर्म जो आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को जरूर से प्रॉपर एंड तक वॉच करना। यहाँ पे ऑफिशियल पोस्ट आप रियलमी कम्युनिटी के ऊपर चेकआउट कर सकते हो जो कि रियलमी के ऑफिशियल्स की तरफ से यहाँ पे अनाउंस की गई है। यहाँ पे दो फीचर्स हैं यहाँ पे स्मार्ट थीमिंग एंड स्केचपैड एओडी का। यहाँ पे एक तो आपका अपडेट नए अपडेट के साथ आपको देखने मिलेगा आपके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर स्केचपैड का नया फीचर, एंड गाइस यहाँ पे दूसरा है स्मार्ट थीमिंग का जो कि आपके जो वॉलपेपर्स के अंदर काम आएगा। यहाँ पे गाइस इसका काम क्या होगा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर जो फीचर आपको स्केचपैड का देखने को मिलता है उसका यूज करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सेटिंग के अंदर पर्सनलाइजेशन के अंदर जाना होगा। वहां गाइस आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन करना पड़ेगा। वहां पे आपको गाइस पोर्ट्रेट से शॉर्टकट के यहाँ पे एक एप्लीकेशन यहाँ पे एक फीचर देखने मिलता है जिस मेन्यू के ऊपर आप टैप करते जो है स्केच पैड टाइप का मीन के स्केचिंग जैसे आप करते हो ड्राइंग करते हो तो स्केच टाइप का आप अपने जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर जो फीचर नया लगा सकते हो इसे एनेबल करके रख सकते हो। यहाँ पे गाइस बात करें दूसरे फीचर की तो दूसरा फीचर यहाँ पे हमें देखने मिलता है आपके वॉलपेपर्स के अंदर, इसे आप कैसे यूज कर सकते हो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ इसका ट्यूटोरियल। सबसे पहले आपको सेटिंग के अंदर पर्सनलाइजेशन के अंदर जाना होगा, वहां पे आपको कलर्स वाले सेक्शन में चले जाना है, एंड गाइस यहाँ पे आप अपने हिसाब से वॉलपेपर का कलर पिक कर सकते हो मींस कि अपने वॉलपेपर को अपने हिसाब से कलर्स वगैरह ऐड करके कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे गाइस ये दो फीचर है जो ऐड किए गए हैं रियलमी यूआई 3.0 के। यहाँ पे गाइस न्यू फीचर अनाउंस हो चुके हैं, बाकी गाइस बात करें कब तक आपको देखने मिलेंगे तो गाइस यहाँ पे आपको जो जरूरी नहीं है कि कौन कौन से डिवाइसेस के अंदर देखने मिलेंगे, यहाँ पे आपके मन में डाउट होगा कि भाई सिर्फ रियलमी या 3.0 के अंदर ही देखने मिलेंगे जिन जिन डिवाइसेस के अंदर रियलमी या 3.0 का अपडेट मिलेगा, ऐसा नहीं है भाई। आपको बता दूं ये Realme के सिस्टम एप्लीकेशंस के अपडेट हैं मींस के ये नए फीचर्स है Realme या 3.0 के जो आपके 2.0 डिवाइसेस के अंदर भी वर्क करेंगे। तो गाइस यहां पे बात करें इसके अवेलेबल होने की तो यहां बिकॉज एक से दो हफ्ते के अंदर अंदर आपके जो डिवाइसेस के अंदर ये अवेलेबल हो जाएगा 2.0 डिवाइसेस के अंदर भी दोनों ही फीचर्स। तो गाइस जब तक आता है तो तब तक आपको वेट करना होगा। अगर आप गाइस Realme के सिस्टम एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हो, Realme के अदर सिस्टम एप्लीकेशन को अपडेट करना चाहते हो Realme 3.0 के लेटेस्ट वर्जन के ऊपर, तो गाइस आप यहां पे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। आपको लेटेस्ट सिस्टम एप्लीकेशन के अपडेट्स लिंक आपको देखने को मिल जाएंगे। यहां पे गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहां पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रख सकते हो। यहां पे फाइल्स वाले सेक्शन में जाते ही आपको सारे ही सिस्टम एप्लीकेशन के लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाएंगे जिसे आप इजीली हर डिवाइस के अंदर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। यहां मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।